आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में अलग अलग 6 स्थानों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। आज उन्नाव के अलग अलग 6 स्थानों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। सामूहिक विवाह के इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायकों के साथ साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अलावा विवाह करने वाले जोड़ों के पारिवारिक सदस्य एवं रिश्तेदार भी मौजूद रहे। जनपद के विकास खंड सिकंदरपुर, सरोसी, बीघापुर, हिलौलीगंज, मुरादाबाद, नवाबगंज और सफीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। ग्राम कलवारी स्थित माँ ललित अम्बे गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बांगरमऊ, गंज, मुरादाबाद, फतेहपुर 84 से 45 जोड़ों ने एक दूसरे का दामन थामकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आयोजन स्थल को बहुत ही सुंदर सजाया गया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। यह सामूहिक विवाह न केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के लिए मददगार साबित हुआ बल्कि समाज में एकता और समरसता का संदेश भी प्रसारित किया। इस अवसर पर सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी और एडीओ, पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी, कर्मचारी व अधिकारी व भाजपा नेता सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में बांगरमऊ ब्लॉक के कुल 11 हिंदू व 1 मुस्लिम, फतेहपुर 84 ब्लॉक के कुल 18 हिंदू व 2 मुस्लिम व गंज मुरादाबाद ब्लॉक के 13 हिंदू विवाह परंपरा से संपन्न हुए। क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने नवविवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान तीनों ब्लॉकों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सफीपुर विकास खंड परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र के 23 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे। विधायक बंबा लाल दिवाकर एवं जिला पंचायत सदस्य दिलीप कुमार यानी गुड्डू मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने वर वधु के सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह नवाबगंज में ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस अवसर पर मोहन विधानसभा अंतर्गत 30 जोड़ों को शास्त्री पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित ने विधि विधान से विवाह संपन्न कराया व नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ब्लॉक परिसर में ऐसा दिख रहा था कि कोई उत्सव है। व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छी लोकेशन, खाने पीने से लेकर वर पक्ष व वधु पक्ष को बैठने की उचित व्यवस्था थी। वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह ने नव विवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत भेंट समान जिला पंचायत अध्यक्ष सुकून सिंह के हाथों भेंट कराया और आशीर्वाद दिलाया। मोहन विधायक ब्रजेश रावत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर ऊंच नीच का भेद मिटाने का काम किया है। सरकार आपके साथ हमेशा हर कदम पर साथ है। मंत्री दयाशंकर, परिवहन विभाग, माननीय विधायक ब्रजेश रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुकून सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख रोशनी रावत, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह उपस्थित रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।